नमस्कार बच्चों, कल हमने पढ़ा था, कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी हमारे पादपों में पोषण पाठ के बारे में, पाठ में जो थी। आज हम बात करेंगे कि मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति। अब आप कभी खेतों में गए होंगे, खेतों में जाने के बाद आपने क्या देखा होगा कि फसलों से पहले जब हम फसल वहां पे लगाते हैं, उससे पहले उसमें ना खाद डाली जाती है, उर्वरक खाद। वो क्यों डालते हैं हम पौधों के अंदर? अब जैसा हम पहले देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि पौधे क्या करते हैं। पौधे पौधे अपनी जड़ें जो होती हैं, उन जड़ों के माध्यम से, ये पौधा है कोई भी, अब ये अपनी जड़ों के माध्यम से क्या करता है, खनिज प्राप्त करता है मृदा से। ये मृदा है ना, मृदा से क्या करता है, वो खनिज प्राप्त करता है। अब जब ये पौधा खनिज प्राप्त कर चुका है मृदा से, तो उतर गया है मृदा में, अब मिट्टी में, मिट्टी में खनिजों की जो है मात्रा, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये तो पौधा ले चुका है और पौधे को हम फिर उसको काट के, उसको तोड़ करके हम खा चुके हैं। तो अब इसकी मृदा में जो है खनिजों की पूरी मात्रा को पूरा करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं, खाद और उर्वरक। अब देखते हैं कि खाद के अंदर होता क्या है। अब देखिए, खाद और उर्वरक जो होते हैं उसके अंदर होता है नाइट्रोजन आपका, उसके अंदर होता है फास्फोरस, उसके अंदर होता है पोटासियम। अब ये जो सारी चीजें होती है, ये इन्हें बोलते हैं खनिज। अब ये क्या होता है, इस खाद के माध्यम से मृदा को, मिट्टी को वापस मिल जाते हैं। तो ये वापस मृदा को मिल गए, तो वापस ये पेड़ पौधों को मिल जाते हैं। अगर हम आप सोचिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछिए कि अगर हम मिट्टी के अंदर खाद ना डालें तो क्या होगा, तो वो आपको बताएंगे कि अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो पेड़ पौधे अच्छे से उग नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको जो खनिज चाहिए है, जो उनको पोषण तत्व तो चाहिए है, वो उन्हें मिलेंगे ही नहीं। एक जीवाणु होता है राइजोबियम नाम का, जो क्या करता है कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे, आपको पता है वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, अब वातावरण से नाइट्रोजन को क्या करता है, वो मिट्टी में मिला देता है। अब मिट्टी में मिलाने से ये जो नाइट्रोजन खाद के माध्यम से मिली है, ये हमें, ये मिट्टी से मिलती है पौधों को राइजोबियम जीवाणु के कारण। तो जैसा कि आज हमने पढ़ा कि जो मृदा में खनिजों की मात्रा कम हो जाती है, वो मृदा कैसे दोबारा प्राप्त करती है, खाद और उर्वरक के द्वारा। अब आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे आप पढ़िए, अपने नोटबुक पे लिखिए, अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।